अस्सलामु अलैकुम व्यूअर्स, आज मैं आपको लिंग्विस्टिक्स के दो टर्म्स के बारे में बताऊंगी जो कि मीनिंग से रिलेटेड है। इन दोनों का जो आपस में रिलेशन है वो मीनिंग से है। सेमेंटिक्स जो है वो लिटरल मीनिंग की बारे में स्टडी को कहा जाता है, और प्रैग्मेटिक्स जो है वो कॉन्टेक्सचुअल मीनिंग की स्टडी को कहा जाता है। सेमेंटिक्स इज़ द स्टडी ऑफ लिटरल, एक्चुअल और द डेनोटेटिव स्टडी ऑफ मीनिंग, एंड प्रैग्मेटिक is the contextual or connotative study of meaning। जो semantics है वो knowledge of the literal meaning होती है, और जो pragmatics है वो भी meaning से ही related है, लेकिन वो उसके usage के बारे में होती है। Semantics is the universal competence, whereas pragmatics is the individual competence। Universal competence यानी कि अगर हम एक word लेते हैं tree, ठीक है, या फिर कोई भी जिसकी मीनिंग जो है वो पूरी यूनिवर्सली सेम रहेगी। अगर ये यहाँ पे ट्री कहलाया जा रहा है तो वहाँ भी ट्री ही कहलाया जाएगा, ठीक है। लेकिन जो है इंडिविजुअल कॉम्पिटेंस, यानी कि आप उस वर्ड को सेंटेंस में या सिचुएशन में किस तरह से इस्तेमाल कर रहे हैं, वो हो जाएगी कॉन्टेक्स्चुअल और इंडिविजुअल कॉम्पिटेंस। उसके बाद है व्हाट एक्सप्रेशंस मीन, व्हाट मतलब हम एक्चुअली क्या कहना चाह रहे हैं, और प्रैग्मेटिक्स जो है वो व्हाट स्पीकर्स मीन, यानी कि जो स्पीकर है वो क्या कहना चाह रहा था, ठीक है। उसके बाद है सेमेंटिक्स विजिबल मीनिंग, और जो प्रैग्मेटिक्स है इनविजिबल मीनिंग। विजिबल मीनिंग्स यानी कि क्लियर हो रही होती है वर्ड के हिसाब से ही, बस सीधी सीधी मीनिंग। लेकिन ये जो प्रैग्मेटिक्स है वो इनविजिबल मीनिंग है। इनविजिबल मीनिंग यानी कि हम सिचुएशन को देखेंगे, कॉन्टेक्स्ट को देखेंगे, फिर हमें मालूम होगा कि एक्चुअल बात है क्या, एक्चुअल मीनिंग है क्या। सिमेंटिक्स जो है वो क्वेश्चन ऑफ मीनिंग है, और प्रैग्मेटिक्स इज द क्वेश्चन ऑफ यूज। सिमेंटिक्स इज लिमिटेड टू द रिलेशन ऑफ वर्ड्स, वेयर एज प्रैग्मेटिक्स इज रिलेटेड टू द रिलेशन बिटवीन वर्ड्स एंड द इंटरप्रिटेशन ऑफ इंटरप्रिटेशन एंड कॉन्टेक्स्ट। आपको बस ये दिमाग में रख देना है, सिमेंटिक्स जो है वर्ड की एक्चुअल मीनिंग को कहा जाता है, और प्रैग्मेटिक्स जो है वो वर्ड की कॉन्टेक्स्चुअल मीनिंग होती है। इसका मैं आपको एग्जांपल देती हूँ। अगर कोई कहता है कि इट्स वेरी कोल्ड, इट्स वेरी कोल्ड यानी कि बहुत सर्दी हो रही है, ये इसकी सेमेंटिक्स मीनिंग निकल आई कि यहाँ पे बहुत ठंड है। लेकिन अगर हम सिचुएशन के हिसाब से देखेंगे तो प्रैग्मेटिकली हम किस तरह से इसे मीनिंग लेंगे, यहाँ पे बहुत ठंड है तो एसी हमें ऑफ करना चाहिए, विंडोज़ अगर खुली हुई हैं तो विंडोज़ क्लोज कर देनी चाहिए, इस तरह से इनकी मीनिंग निकलती है, ठीक है। आई होप आपको समझ आ गया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।